अस्सलाम वालेकुम। ये एक मेल पेशेंट आया है हमारे पास, इसका एब्डोमिन डिस्टेंशन हमें नज़र आ रही है। अब मैं इसका स्कैन कर रही हूँ, देखें लिवर को मैं देख रही हूँ। ये देखें लिवर मुझे नज़र आ रहा है, इसका कोर्स लिवर है, ठीक है। अब ये पोर्टल वेन का डायमीटर वैसे ले लेते हैं, और इसकी ऐसे डिटेल में करें तो पोर्टल वेन की वेलोसिटी भी लेते हैं। और बहरहाल मैं इसका सिर्फ डायमीटर दे रही हूँ। ये देखें इसका डायमीटर जो है 14 mm तक आ रहा है, जो कि डायलेटेड है। 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पोर्टल में पोर्टल वेन का डायमीटर। अब ये देखें, ये जो CLD के पेशेंट होते हैं ना, इनमें ये वॉल अडीमा, ये देखें गॉल ब्लैडर वॉल अडीमा आपको नज़र आ रहा है। ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, जिसमें ये इसका सारा लिवर कोर्स हो चुका है, श्रंकन हो चुका है। जब हम इसका साइज़ लेंगे इसके लिवर का, तो ये देखें इसका साइज़ आ रहा है 13 cm, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मेल पेशेंट में 15 तो होना चाहिए, 18 अप टू 18 जो है उसका। और ये देखें, अब ये जो मैं एपिगेस्ट्रियम में प्रोब रख के देख रही हूँ, ये देखें ये लेफ़्ट लोब हाइपरट्रॉफी हुई हुई है उसकी। ये लिवर की जो लेफ़्ट लोब है, ये हाइपरट्रॉफिड है, कोर्स लिवर में नज़र आएगी। अब ये देखें, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये उससे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन है, और ये बाहर जो फ्लूइड है ये एसाइटिस है इसका सारा। और ये देखें ऊपर तक जा रहा है, ये यहाँ पे भी एसाइटिस आ रहा है। तो इट मीन्स ये हेपेटोरिनल पाउच के अंदर आ रहा है सारा। इट मीन्स कि ये 1 लीटर से ज़्यादा ही है एसाइटिस इसका, 1 to 2 लीटर होगा ये। ये देखिए हम आपके इसमें ये प्रोस्टेट इसका नज़र आ रहा है, ये मेल पेशेंट है। ये देखें प्रोस्टेट का वॉल्यूम लेना, वो भी मैं एक अलग कोई वीडियो बनाऊंगी। इसको वैसे अभी फ़िलहाल कोई यूरिनरी कंप्लेंट्स नहीं। इधर को करवट करेंगे, मेरी तरफ करवट करें, पूरी करवट लें अभी, पूरी करवट करें। ये देखें आप जो लेफ़्ट साइड हम देख रहे हैं, तो उसमें स्प्लीन हमें एनलार्ज नज़र आ रही है। नॉर्मल स्प्लीन जो है वो उसका एंटीरियर पोस्टीरियर 12 cm होना चाहिए, और इसका 13.3 आ रहा है। और जो इसका ये डायमीटर होता है, डायमीटर है जो, वो 6.4 है, यानी कि इंडेक्स भी इसका काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है। सीधे हो जाए, ठीक है। ये बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, इंडिया में भी कॉमन होगी, हमारे सब कंटिनेंट में ये जो है लिवर डिज़ीज़, क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ बहुत कॉमन है। इसकी कॉजेज वायरल हैं, और जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, सबसे कॉमन तो वैसे हेपेटाइटिस सी है, उसके बाद बी है, और फिर बाकी जो दूसरी कॉजेज हैं इसकी। ठीक है, थैंक यू।